रंगोली आर्टिस्ट सगळे बिजी सगळ्या कामाला ओके सकल बसता। यहाँ पे ना सब कुछ तैयारी वगैरह हो चुकी है। मैनेजर ने ये सब कुछ सेट करके रखा है। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो आज हो गया मंडे और मंडे के साथ साथ जो है ना आज है मकर संक्रांति। तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। हैप्पी मकर संक्रांति। संक्रांति तो आज है मकर संक्रांति और जैसा कि आप सब लोग जानते ही है मकर संक्रांति के त्योहार पे आज है मेरे घर पे मेरा हल्दी कुंकू। तो सुबह से जो है ना उसी की भागदौड़ मच रही है, यहाँ वहाँ ये वो सब कुछ काम जो है ना वही सब चल रहा है सुबह से। और सब कुछ काम वगैरह करते करते जो है ना अभी बज चुके हैं 12:15। शावर वगैरह लेकर जो है ना मैं 11:30 बजे तक हो चुकी थी सब काम करके फ्री, लेकिन मकर संक्रांति के लिए हल्दी कुकुम के लिए जो वाइन लेके आए हैं वो भगवान जी के लिए पहले निकाल लेना, तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो वो सब करते करते 15 मिनट की जो है ना मेरे एक्स्ट्रा के चले गए और अब बच चुके हैं 12:15। और बाकी का घर का जो भी काम है ना वो सब कुछ हो चुका है। एक्चुअली क्या हुआ ना, सुबह से यहाँ वहाँ क्लीन करो ये करो वो करो सब काम में जो है ना टाइम चला गया, पता भी नहीं चला कि कब जो है ना 12 बज चुके। वैसे तो आप लोग जानते हैं मैं जो है ना हर रोज क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन जब भी कुछ ऐसा फंक्शन या फिर कुछ भी फेस्टिवल होता है ना तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा की क्लीनिंग करनी तो बनती है ना। तो एक्स्ट्रा की क्लीनिंग जो है ना वो करनी बनती है ना, तो वो सब चल रहा था सुबह सुबह से। और यहाँ पे पीछे जो है ना थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट भी चेंज कर लिया है आज, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। खाना वगैरह भी बन चुका है और वो सब कुछ काम जो है ना घर का निपटा के बाद में मैंने शावर ले लिया। पहले जो है ना घर का सब काम क्लीनिंग और खाना वगैरह वो सब किया, बाद में जो है ना मैं फ्री माइंड से जो है ना हल्दी कुंकू की तैयारी कर सकूँ उसी लिए। तो अभी जो है ना सब काम हो चुके हैं, शावर वगैरह भी हो चुका है। अब जो है ना मैं पहले मकर संक्रांति के लिए मतलब हल्दी कुमकुम के जो वाइन है ना भगवान जी के लिए वो निकाल के रख देती हूँ, उसकी पूजा वगैरह करती हूँ और बाद में जो है ना बाकी का जो भी कुछ है ना वो बाद में कर लेंगे। तो चलो टाइम जो है ना 12:15 हो चुके, बाद में थोड़ी देर बाद 12 बज जाएंगे। मगिर माँ मंडली फोन गिर 12 किद्या काट बारा वाले वाइन बेगिन काढप नहीं आशिले मंडली हो कसा आजता पांगा माँ मैं फोन करते की तशी म्हणतली 12 जाय सर किद्या रावले पहिली काढप नाही म्हणतली। सो पहिली नी वाईन काढून घेता आणि मागीर नी तुमका मेळटा थोड्या वेळान।
सो यहाँ पे ना अभी मेरा वाइन जो है ना वो भगवान जी के लिए निकाल कर हो गया। यहाँ पे जो है ना मैंने 6 निकाले हैं, मतलब हर साल जो है ना मैं 6 ही निकालती हूँ। इस वाले चौरंग जो है ना इस पे वो आ नहीं रहे थे, तो एक के ऊपर जो है ना एक मैंने ऐसे स्टैक करके रख लिए है। तो यहाँ पे वो सब हो चुका है, भगवान जी की पूजा भी हो गई और इनको देखो। और यहाँ पे जो है ना मैंने सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर लिया, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले जो है ना ये ऊपर रखते हैं ये दूर, सो इप फूल दो पहले फूल आ गए। सो ऐसे वाले फूल जो है ना मैं लेकर आई हूँ सबको देने के लिए। ये आप लोग अगर नहीं जानते हैं ना तो ये मोदी दौर आप लोग अगर नहीं जानते हैं ना तो उस साइड जो फोटो है ना वो मेरी सासू माँ है, इनकी मम्मी, और ये इनकी दादी, तो इन दोनों का फोटो है। तो हर साल जो है ना मैं रखती हूँ इनके लिए, जब पहले जो है ना भगवान जी के लिए निकालती हूँ, बाद में यहाँ पे रखती हूँ, और हर साल की तरह रिचुअल्स कंप्लीट करते हुए इनके लिए भी रख दिया। अभी इनकी बारी है, बैठे हैं आकर। पहले जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो कैसे चेंज किया। सोफ़ा जो है ना वो वहाँ पे उस वॉल को लगकर था ना, तो उसको जो है ना यहाँ पे खिसका दिया। यहाँ पर जो चेयर्स थे ना वो निकाल दिए, एक साइड जो है ना वो यहाँ पे लगा दिया चेयर्स का, और एक साइड जो है ना बाहर रख दिया। इतनी गरज ना हम खुर्चा पर, खुर्चे कितने ऐसा पर, सो इस तरह से रख दिया है। अभी अच्छा लगेगा ना, बाद में जो है ना थोड़ी देर बाद, मतलब दोपहर के बाद ये वाला जो निकाल कर मैं अंदर रख दूँगी तो यहाँ पे भी जगह हो जाएगी। और थोड़ा बहुत अभी कुछ चेंजेस है वो बाद में देखते हैं। तो इस तरह से रख दिया ताकि अगर कुछ ज़्यादा लोग एक साथ आए ना तो उनको बैठने में तकलीफ़ ना हो इसीलिए। और पहले मेहमान आकर बैठ गए हैं। और यहाँ पे इस वाले टिपो पे मैं मेरा जो भी छोटा मोटा सामान वगैरह है ना वो यहीं पे इस पे रख दूँगी। पहले इसका कवर जो है ना वो अभी चेंज करना है, और इनको जो है ना पहले देते हैं। सबसे पहले ना इनको देकर आते हैं ये वाले बोला। जो भी करना था ना वो सब कुछ तो हो गया। यहाँ पे वाइन वगैरह जो है ना वो निकाल दिए है, सब तैयारी वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अभी जो है ना लंच करना है, मतलब लंच के लिए अभी चावल नहीं बनाए। आज मैंने बनाए छोले मसाला ग्रेवी, एक बार मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की थी मसाला वाला, मसाला ग्रेवी वाली, तो वो बनाई है, भिंडी की सब्जी बनाई है, और रॉ बनाना जो होता है ना उसको कट करके वगैरह रख लिया। अभी इसको करना है फ्राई, और राइस बनाने हैं। राइस मैंने इसीलिए नहीं बनाए थे कि वो जो है ना जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और दोपहर को जो है इनको गर्म राइस लगते हैं पीछे, तो इसीलिए मैंने राइस नहीं बनाए थे। अभी राइस बनाऊंगी, 12 बज चुके हैं तो थोड़ी देर बाद जो है ना राइस भी हो जाएंगे, और बाकी की जो भी मेरी तैयारियां है ना वो करके ले लेती हूँ। पहले जो है ना मुझे साड़ी निकाल के रखने, साड़ी अभी तक नहीं निकाली है मैंने, तो प्लान है मैं लेके आई हूँ। कोल्हापुर गए थे ना तो वहाँ से मैं ब्लैक कलर की साड़ी लेके आई हूँ, मैं लेके आई हूँ, मतलब इन्होंने जो है ना मुझे दिलाई है, मुझे नहीं चाहिए थी ब्लैक कलर। लास्ट ईयर भी मैंने ब्लैक कलर की साड़ी वेयर की थी, लेकिन वो मेरी नहीं थी, मम्मी की मैं लेके आई थी, मम्मी ने एक दो ही बार कुछ पहनी थी तो वो साड़ी मैंने वेयर की थी। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर जो है ना ज़रूर से चेक कर लेना। और इस साल जो इन्होंने मुझे ब्लैक कलर की साड़ी दिलाई ताकि मैं जो है ना मकर संक्रांति पे ब्लैक कलर की साड़ी वेयर कर सकूँ, तो उसका ब्लाउज वगैरह कुछ भी रेडी नहीं हो पाया, तो मिसमैच करके जो है ना मैं ब्लाउज पहन लूँगी, और साड़ी जो है ना वो अलमारी से निकाल कर रखनी है, और बाकी का जो भी छोटे मोटे तैयारी है ना वो कर लूँगी अभी, और बाद में रक्षा आएगी तो वो जो है ना सब कुछ देंगे। ये भी है आज घर पे, इनको जो है ना मैंने छुट्टी लेने के लिए बुलाया आज, तो ये भी है घर पे, रक्षा भी आएगी, तो दोनों मिलकर जो है ना वो सब कर लेंगे मेरा। बाकी तो मुझे लंच के बाद सिर्फ रंगोली बनानी है और तैयार होना है, वही
तो चलो जो भी है जैसा भी है आप लोगों के साथ जरूर से शेयर होगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद मकर संक्रांति यानी कि हल्दी कुमकुम के ब्लॉग के साथ। सकल बसता इतले इन्सिस्ट करून करून फायनली रक्ष पावले नी यहाँ पे बन रही है रंगोली आर्टिस्ट सगळे बिजी सगळ्यां काम आलेला सर मगे काम मध्ये मध्ये उरला आणि थोडे वडले घालू भीतर चढ वडले घालणार का रक्सु किती करतो गो किती करतो गो कट करता तारक मेहता चे यहाँ पे चल रहा है फ्रूट्स कटिंग देखो ग्रेप्स कस्टर्ड के लिए है ये। और इसी के साथ यहाँ पे मेरी 2 मिनट में बनने वाली रंगोली जो है ना वो बनकर हो चुकी है तैयार। यहाँ पे छोटी सी रंगोली बनाई है मैंने, एक्चुअली बनाने का कुछ भी प्लान नहीं था, जस्ट है ना 2 मिनट के अंदर बना ली मैंने फटाफट से। और यहाँ पे वेलकम, और ये बाहर वाली तो आप लोगों को इन्होंने दिखाई है वो सब, और कुछ नहीं। और इसको देखो यहाँ पर चलो फटाफट से जो है ना अब मैं चलती हूँ अंदर और थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पे ना सब कुछ तैयारी वगैरह हो चुकी है, मैंने जो ना ये सब कुछ सेट करके रखा है। और यहाँ पे ट्राइपॉड, और जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे ना कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स वगैरह भी कट करके रखे हैं, तो बाकी के जो भी चाहिए ना वो बाद में कट कर लेंगे। किदे किदे आणि मागे रंगोळी पाड घातले तू बस येत आशिला रातभर घालपा तुक 2 दिस लागून भी जावपा ना ती म्हाका खबर आसा कोण दीपू काय ना दीपू रातचे आटा येतले हा युट्यूबार पहिले म्हणे जाईना घालू कळू जाय नी बारीक घालते ते दिव्या। तो यहाँ पे ना सब कुछ तैयारी हो चुकी है और टाइम अभी सिर्फ 3:30 बज रहे, लेकिन ये जो है ना मुझे फोर्स कर रहे रेडी होने के लिए। मैंने सोचा था कि 4 बजे जो है ना मैं रेडी हो जाऊंगी। मागे सांगता तू रेडी जाईना आता जर मागे कोणी येलो तर आपण दितक वाय तू रेडी जायत बस खे पोरू म्हण साची सांगून येतले आपण अडेजा येतले म्हणा त्या वचू जाय आशिल्ली न्ही। तर हांव रेडी जावन येता हांगा, मागीर साडी बीन तुमकां दाखयलीच ना सो मागीर दाखयता जब मैं रेडी हो जाऊंगी ना एक बार तो डायरेक्ट जो है ना मेरा लुक ही दिखा दूंगी आप लोगों को। साडी वगैरह दिखाने का अब टाइम नहीं रहा, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।